तो सबसे पहले आपको एक तिरंगे का फोटो डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद आपको चलना है सीधा अपने पिक्सल लैब में। पिक्सल ऐप ओपन कीजिए और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक में रखिए, क्योंकि ब्लैक में रखने से इमेज ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। टेक्स्ट में आप अपना नाम लिख सकते हैं या जो कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जय हिंद, हमने जय हिंद लिख दिया। अब इसको हम कैपिटल लेटर बना देते हैं और उसके बाद आपको जाना है टेक्स्ट साइज में और इस साइज़ को हम बढ़ा देते हैं। और उसके बाद आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट इसलिए चेंज करना है क्योंकि वो थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे, तो यहाँ पर हम लेते हैं ये वाला ऑप्शन। तो ये सेलेक्ट हो गया, हमने अपना नाम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्सचर का, बस आपको इसमें प्रेस करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और जो भी फ़ोटो यानी कि जो आपने तिरंगे का फ़ोटो डाउनलोड किया है वो आपके मोबाइल से सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। अब इसको बस ओके कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, बड़ी आसानी से और बहुत ही कम समय में आप अपने नाम को तिरंगे से सजा सकते हैं।